अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं साहब? ठीक ठाक है ना? गुड्डू भाई क्या हाल है? क्या किधर जा रहे हो? ओके ओके, वर्किंग लास्ट डे, तो थर्सडे है तो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो आज मैं आपको ड्यूटी जाना स्टार्ट हो गई है, हमारी टीम दोबारा जा रही है। कल आपको तर्फ तो करवा दिया था, सामने वाला वही आदमी है ये जो पीछे जा रहा है, जो चुप ही नहीं करता। मोबाइल इसको देना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए। छोटा कहाँ गया? छोटे छोटे। इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल चल रहा है दोस्तों, देखो इधर देखो कोर्स। पाकिस्तान फाइनल जीत गया। ये वाले इंडिया वाले बैठे हुए हैं इधर सब, ये देखिए अभी देखेंगे क्या बनता है। साथ वो भी क्योंकि मेरे ये दोस्त जो है ना इंडिया के साथ है ना, तो इसलिए मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो ये जो है मैं देखा कि बड़ा अच्छा वो पांड्या स्कोर कर गया, वरना तो इनकी 130 पे टीम आउट थी सारी। बहुत ही अच्छे बैट्समैन से आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये जाहिद भाई। जाहिद भाई बताइए क्या कहेंगे आप अपनी टीम के बारे में? मेरा दिमाग बहुत खराब है। देखा इंडिया वालों का बस दिमाग ही खराब हो रहा है। अभी हम इनको बता भी रहे हैं कि इंडिया ने अच्छा स्कोर कर दिया, जीत जाएगा, लेकिन बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है। यार इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की यार, सही बात है, कोई चांस नहीं। पांड्या अच्छा खेला, दिमाग मत खराब। तो वैसे अब क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया, इंडिया जीतेगा। और फाइनल फाइनल इंडिया बोल जो देख कदे नहीं हो। ये तो चलो मैच होगा तब भी पता चलेगा यार, ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा। नाजरीन देखिए, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हमारा पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज इंडिया बाहर हो गया है। आइए हम अपने कुछ इंडियन फ्रेंड से मिलते हैं। जाहिद भाई देखिए, बहुत ही बड़े क्रिकेट के हिस्से में बैठे हैं। इम्तियाज भाई कुछ बोल ही नहीं रहे कि क्या बोलूं यार, अब तो बाहर हो गया। गुड्डू भाई तो वैसे ही हमारे साथ था। निल्सन अब क्या कहेंगे आज, क्या मतलब स्कोर तो अच्छा किया था, तो ये क्या हुआ? जानबूझ के मैच हार गया, पाकिस्तान की जीत जाए। अच्छा पाकिस्तान से जीत, पाकिस्तान तो ऑलरेडी फाइनल में था। इंग्लैंड को छोड़ो, इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपनी बात करो यार, अपने घर में झांको, बाहर इंग्लैंड को छोड़ दो, तुम अपने देखो कि तुम लोग बाहर हो गए यार। जीरो आउट यार, शर्म की बात है यार, एक तो आउट कर देते यार। बात करी थी तू। अभी जो मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो जो है ना बहुत ज्यादा अपसेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, उनको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मेरे पास अभी कोई नहीं आ रहा क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग हार गए ये वो, पहले तो बड़ा बोल रहे थे तो। लेकिन वेल प्लेड, इंग्लैंड ने वाकई बैटिंग अच्छी की है, कोई शक नहीं है। एक दोस्त से पूछते हैं, इंडियन दोस्त से गुड्डू बेक, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा है, मतलब रहा आज का मैच। गुड्डू भाई क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए ये हार जीत तो भाई किस्मत की बात है, ठीक है, अगर दो टीम जीतता है खेलता है तो एक ने ठीक एक हारना ही पड़ेगा। बिल्कुल कह रहा था मैं इसे पहले, तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे थे, इंडिया जीत जाएगा इंडिया जीत जाएगा इंडिया जीत जाएगा, इंग्लैंड क्या है हमारे सामने, फाइनल मैच पाकिस्तान से होगा। तो अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया जीत गया, एक टीम ने जीतना देखा। आप ये बताइए कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी? क्या कीजिएगा, इंडिया का टीम माल लेने में है ना। इस टाइम जा रहे हैं जाहिद के पास, जाहिद को लेके फिर हम जाएंगे मस्जिद में, मस्जिद वाली मार्केट आपको विजिट कराएंगे। हम लोग आ गए हैं खाना खाने, मेरे साथ जाहिद है और ये है गुड्डू, और ये मुझे तो आप जानते ही हैं। देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक खाना नहीं आया, खाना नहीं आया। अच्छा आ गया, अरे आ गया, मैं बस अभी बोलने की बस देर थी। खाना देखो कैसे आ, उनको पता है वीडियो चला देगा, लोग बना देगा, इसलिए जल्दी आ गया खाना हमारा। खाना आया पटक से, ये लोग शुरू हो गए खाने के लिए, ये नहीं कि बंदा थोड़ा सफर कर ले, नहीं जल्दी से पड़ गए, टुटके पै गए टुटके। इधर खाना खा रहे थे ये, अभी ये सामने हमारे टेबल पे ना ये बैठे हुए हैं, ये लोग आए, इन्होंने 13 पराठे और 3 चाय का ऑर्डर किया है। ये 3 आदमी और 13 पराठे मंगवाए हैं इन्होंने यार। अभी हम लोगों ने तो शायद चले जाना है अभी, तो वरना मेरा तो इरादा था देखने का कि यार ये 13 पराठे कैसे खाएंगे। हम लोग बड़ी मस्जिद के बहुत करीब आ गए हैं, ये देखिए आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी, और थोड़े लाइटिंग की वजह से वो ऐसे एक लाइट 4 दफ़ा नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा करीब जाके आपको मस्जिद का दोबारा विजिट करवाएंगे। हम लोग बड़ी मस्जिद के पास आ गए हैं, तकरीबन हमारा गैंग तकरीबन पूरा ही है। ये आपको यहाँ से मस्जिद नज़र आ रही है,
ये यहाँ पे इधर बैंक भी है, गुड्डू कहता है जी बैंक का भी दिखाओ साथ साथ, तो अच्छी बात है गुड्डू ने बताया हर चीज़ दिखानी चाहिए। तो अभी अंदर मार्केट भी जाएंगे, आपको मार्केट भी दिखाएंगे यहाँ की, क्यों गुड्डू बैग? यस, देखिए बड़ी मस्जिद, थोड़ा अजान होगी। मार्केट भी आ गई है, मार्केट मार्केट विजिट कराओ जी, KFC दिखाओ जी, KFC, ये KFC है, फाइन मार्ट है, और भी आगे। हम दोस्त ने लेने थे कपड़े, तो हम लोग आ गए इधर कपड़े लेने, ये इसको थोड़ा चाहिए था वाइट वाला कपड़ा, तो अब हमने ये वाला सिलेक्ट किया, तो ये वाला भी परचेज कर लिया, बस वो मीटर नाप रहा है, तो अब लेके फिर हम जाएंगे अपनी शॉपिंग के लिए। इधर आया था ब्लॉग वाला ना, वो माइक लेने के लिए, तो यहाँ पे तो यार माइक मिला ही नहीं सारी शॉप्स घूम ली, माइक नहीं मिला, क्या करें। चलो नेक्स्ट जो है ना बकरा जाएंगे, तो वहाँ से लेंगे, मुझे लगता है वहाँ मिल जाएगा। फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं वापस, गुड्डू बैग थक गया है जो कि यहाँ पे बैठ गया था, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो मार्केट में आ गए हैं वापस, मस्जिद वाली मार्केट घूम घूम के आ गए हैं, सिर्फ एक शर्ट ली मैंने और कुछ भी नहीं मिला भाई, क्या करें यार, इनको थोड़ा जल्दी है, वो भाई का एक का कल फ्लाइट है, क्या करें, करना पड़ता है ना, कोई बात नहीं कल फिर आ जाएंगे।